लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कसरावत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक जैन द्वारा आज दोपहर 2 बजे कसरावत थाना परिसर से पुरानी तहसील ऑफिस तक फुटपाथ और रोड किनारे बैठकर सामान बेचने वाले दुकानदारों से बिना मोल भाव किए खरीदी कर छोटे दुकानदारों की मदद करने का संदेश दिया। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ न्यायालय कर्मचारी आशीष अर्झरे, पैरा लीगल वारंटियर अखिल खान, देवदत्त एकल, अधिवक्ता नवीन जोशी, नगर परिषद सीएमओ संजय रावल, राजस्व उप निरीक्षक विजय यादव, थाना कसरावत से अजय कुमार झा मौजूद रहे। न्यायाधीश विवेक जैन द्वारा जब छोटे व्यापारियों से बिना बार्गेनिंग की खरीदी की गई तो छोटे व्यापारी बेहद खुश नजर आए, साथ ही थोड़ा अचंभित भी छोटे व्यापारियों ने बताया कि इतने बड़े अधिकारी हमारे यहां से खरीदी करते देखकर अपने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। अभी आपसे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब जो है कुछ खरीदी कर रहे थे, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और कुछ आश्चर्य हुआ आपको? हाँ, आज तक सब छोटे लोग आ रहे थे, फिर चक्कर पे बड़े अधिकारी आए हैं। अच्छा, क्या अभी व्यापार की बात करें तो आपका पिछला जो कोरोना काल कैसा बीता? बहुत बेकार बीता, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तो इस तरीके से जो प्रयास किया जा रहा है कि छोटे व्यापारियों से सामान खरीदे, उन्होंने ऐसा संदेश दिया, इसको लेके क्या कहेंगे आप, कैसा लगा आपको? भैया अभी मजिस्ट्रेट साहब आपके यहाँ से दिया खरीदी कर रहे थे, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा लगा। ये दिया आप खुद बनाते हो क्या? खुद बनाते। कब से बनाना चालू कर देते हैं इनको? बहुत टाइम हो जाता है ये बनाने। तो कितने बिक जाते हैं दिवाली पे, कितना व्यापार हो जाता है? दिवाली में हो जाता है 10-20 हज़ार। ये जो चाइना के दिए आए थे, इससे आपको काफी नुकसान हो रहा था, अब साहब ने जो संदेश दिया है कि इनसे खरीदो और इनसे भाव मत करो, कैसा लग रहा था? नुकसान तो होता है ना, बाहर का माल आएगा नुकसान तो होगा अपना। अब ये साहब लोगों ने ऐसा संदेश दिया कि ये घर के इसी दिए पे लोकल दिया जो है इसी पे वो खरीदे, तो कैसा लग रहा था आपको? इसी दिया ही खरीदना चाहिए ना, इससे आप लोगों का व्यापार चलता रहता है। खरीदा अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।